हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज हम बनाएंगे पोहा। पोहा नमकीन जिसको बोलते हैं चिवड़ा, वही हम बनाएंगे आज। ये देखिए, खट्टा मीठा हम चिवड़ा मसाला बनाएंगे। एकदम खट्टा मीठा पोहा का नमकीन बन के रेडी हो जाएगा। देखिए इसके लिए क्या क्या सामान लगेगा। देखिए मैंने भून के लिया है, इसको हल्का सा तेल में फ्राई करूँगी बस। ये है करी पत्ता, ये है पिसा चीनी, शक्कर, ये है मसाला, ये चिवड़ा मसाला है, और ये है नमक, हल्दी पाउडर, ये है खोबरा, सूखा खोबरा है, ऐसे लंबे लंबे स्टिक में कट कर लीजिए उसको। इसको हम ले लेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। अभी हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है तेल में। देखिए तेल पूरा गर्म हो गया है अच्छे से। अभी हम इसमें पोहा डाल के चिवड़ा डाल देंगे अपना। देखिए पोहे को हम ऐसे डालेंगे और इसको अच्छा सा कुरकुरित होने तक, एकदम कुरकुरा पोहा तैयार कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा फूल गया है, देख सकते हैं आप। अच्छा, ये पोहा रेडी हो गया। अभी हम पोहे को छान लेते हैं। ये देखिए मैंने पोहे को छान लिया है, कितना कुरकुरा ये पोहा बना है। अभी हम और भी छान लेते हैं। ये देखिए थोड़ा तेल गंदा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरीके से हम और पोहे निकाल लेते हैं थोड़े छान के कुरकुरा होने तक। बहुत ही टेस्टी पोहा लगेगा आपको, ऐसे चिवड़ा नमकीन बनाएंगे तो। अभी हम इसको भी छान लेते हैं। देखिए कैसे छानना है, ऐसे पूरा तेल निकाल के अच्छे से कम आँच कर दिए, फिर इसको छान लीजिए ऐसे। इसी तरीके से निकाल के रख लेंगे हम। देखिए बहुत ही टेस्टी बनेगा जैसे अगर आप बनाएंगे तो। ये देखिए इसी तरीके से हम थोड़ा ऐसे डाल देंगे, हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे बस, ज़्यादा नहीं। देखिए बस हो गया, इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए अभी इसी तेल में हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं, नारियल को, सूखा नारियल है। इसको हल्का सा हम भूनेंगे बस। हल्का सा बस कलर चेंज होगा, वैसे हम निकाल लेंगे। इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए अभी हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं अपना। अभी इसमें हल्दी, ये देखिए ऐसे एक चम्मच हल्दी, हल्का सा हम भूनेंगे हल्दी को, इसका कच्चापन निकल जाए बस। अभी हम इसमें करी पत्ते डाल देते हैं। करी पत्ते को डाल के हम ऐसे भून लेंगे हल्का सा बस। करी पत्ता आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं। अभी इसमें हम पोहा डाल देते हैं। गैस को हम बंद कर देंगे। अभी ये देखिए सारा पोहा हम इसके अंदर मिला देंगे। अभी हम ऐसे ऊपर नीचे करके सारे पोहे को, ताकि इवन कलर आ जाए, एक जैसा सब पे हल्दी का कलर आ जाए। ये खट्टा मीठा पोहा आपका चिवड़ा नमकीन बहुत ही अच्छा लगेगा। बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर में भी इजीली तरीके से बना सकते हैं। इसी तरीके से हम मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है सबके। अभी हम इसमें ये अपना शक्कर मिला देंगे, जो पिसा हुआ शक्कर था सब डाल देंगे हम। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मैंने शक्कर डाल दिया है, पिसा हुआ शक्कर, इसी से खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। नमक डाल देती हूँ मैं, स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। अभी हम इसमें चिवड़ा मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला, गरम मसाला सब मिक्स करके हल्दी पाउडर
ये हो जाएगा आपका चिवड़ा मसाला। ये देखिए सभी ऐसे डाल देंगे इसके ऊपर। अब मिला लेती हूँ इसको मैं एकदम अच्छे से, सभी जगह इसको भी मिला लेंगे हम हल्के हाथ से, ताकि पोहे टूटे ना। अभी इसी में हम अपना ये डाल देंगे, मूंगफली और खोबरा। सभी को हम मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा ये मिलके रेडी हो गया है, एकदम कुरकुरा पोहा बना है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।